हाँ तो भाई आईपीएल 2024 का मैच नंबर 28वां जो कि खेले जाने वाला है मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में, या कहे तो एमआई वर्सेस सीएचजी के बीच में यह मैच खेला जा रहा है। तो इस मैच के लिए अपना ग्रैंड लीका यूनिक सा फैंटेसी टीम क्या रहेगा, इस वीडियो में हम लोग प्रिडिक्शन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर इन दोनों टीमों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएं, तो जैसे जो मुंबई इंडियंस के प्लेयर है वो लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेल के आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सभी खिलाड़ी अच्छे खेल के आ रहे हैं और सभी का सिलेक्शन भी हाई चल रहा है। तो क्या उन सबको ही इस मैच में लेकर चलना है या फिर नहीं चलना है? उधर से अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई से भी काफी सारे प्लेयर अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, जैसे रविंद्र जडेजा है, लास्ट मैच काफी बढ़िया खेल के आया, ठीक है। उसके बाद बैटिंग पे भी काफी सारे प्लेयर है जो कि लगातार फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि आप दोनों टीमों से सारे बड़े प्लेयर को लेकर नहीं जा सकते हो, जैसे ईशान किशन हो गया, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रांची रविंद्र, फिर उधर से ड्रायल मिचेल, जडेजा, हार्दिक पांड्या, बॉलिंग सेक्शन पे बुमराह, तो इतने सारे हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी को आप टीम में लेके नहीं चल सकते हो। कुछ आपको अगर आप ग्रैंड लीग का टीम बना रहे हो तो कुछ हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी को ड्रॉप करके आपको वहां पे रिस्की ट्रम्प कार्ड प्लेयर लेना होगा जिसका सिलेक्शन 10 या 20% या मान के चलो ज्यादा से ज्यादा 30% होगा। तो किस टाइप का हम लोग का फैंटेसी टीम रहेगा, कौन सा यूनिक मतलब बड़ा प्लेयर का हम लोग ड्रॉप करेंगे, किसको टीम में लेंगे, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस देंगे, रोहित शर्मा को देंगे या फिर बुमराह को देंगे, सारा कुछ डिटेल ऑल वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बता दें कि हम लोग दो जीएल टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें हम लोग एक फेवर मुंबई इंडियंस के टीम में टीम बनाएंगे, मुंबई इंडियंस के फेवर में एक टीम और एक टीम चेन्नई सुपर किंग के फेवर में, क्योंकि दोनों के जीतने के बराबर चांसेस है। हालांकि जो मुंबई इंडियंस का यहाँ पर बॉलिंग ऑर्डर है, ठीक है, काफी तगड़ा दिखाई पड़ता है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग पहला जो टीम बनाएंगे उसमें हम लोग बनाते हैं कि मुंबई इंडियंस अगर बैटिंग सेकंड करती है, ठीक है, यानी बॉलिंग फर्स्ट करती है तो क्या टीम का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ से दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमेशा की तरह हम देखें वेन्यू की, तो एमआई का 2 मैच विन है, 3 लॉस चल रहा है। उसके बाद चेन्नई की बात करूं तो 3 विन है, 2 लॉस है। उसके बाद यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडिया में मैच खेला जा रहा है वेन्यू जो है, ठीक है, और इसी वेन्यू पे जो है सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह पिछला मैच कमाल मचा के आ रहे, तो क्या इस मैच में भी वो इस टाइप का मतलब परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, वीडियो में आगे बात करेंगे। और यहाँ पर पिच का बात करें तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है और दोनों टीमों में अच्छे खासे बैट्समैन भरे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर गुड फॉर पेसर्स है, फास्ट बॉलर ज्यादा चलते हैं। और यहाँ पर वेदर की बात करें तो वेदर यहाँ पर सनी रहेगा, मतलब क्लियर रहेगा मौसम। उसके बाद एवरेज रन 195 का इस ग्राउंड का एवरेज रन होने वाला है, तो दोनों जबरदस्त टीम है, तो 200 के आसपास स्कोर आप मान सकते हो। उसके बाद टोटल 11 विकेट लिए गए हैं, 11 में से 3 विकेट मिले स्पिनर को, बाकी जो 8 विकेट है यहाँ पर मिले दोस्तों पेसर्स को यानी फास्ट गेंदबाज को, ठीक है। और टोटल यहाँ पर 13 मैच खेला गया है दोनों टीमों में आपस में, जिसमें से एमआई ने मुंबई इंडियंस ने 7 मैच जीता है और चेन्नई ने 5 मैच। तो यहाँ पर जो आपस में दोनों टीमों में मुकाबले खेली गई है, मुंबई इंडियंस ने ज्यादा बार जीता है, तो पहला टीम का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें मुंबई इंडियंस के हम ज्यादा से ज्यादा प्लेयर लेके चलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से सीधा आपको इस वीडियो में प्रेडिक्शन मिल जाएगा, ड्रीम इलेवन टीम मिल जाएगा, सभी कुछ मिल जाएगा। तो आराम से वीडियो को आप पूरा जरूर देखना ताकि खुद से आप एक बेहतर फैंटेसी टीम बना सके। और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पर सीधा प्रेडिक्शन स्टार्ट करें दोस्तों। तो विकेट कीपर सेक्शन पे डेविड कोनू है तो है नहीं, सोचने वाली इसमें बात नहीं है। ईशान किशन है, एमएस धोनी है, 2 ही अच्छे ऑप्शन है, जिसमें से एमएस धोनी का बैटिंग तो ना के बराबर आता है, चांस नहीं है। तो सीधा सा ऑप्शन है कि यहाँ आपको ईशान किशन को लेकर चलना है एकदम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बैटिंग लाइनअप अगर हम आपको दिखा दें, देखो ईशान किशन यहाँ पर 1 डाउन बैटिंग करेगा। उसके बाद एमएस धोनी की बात करें तो कभी 5 नंबर पे खेलने आता है, कभी 6 पे, कभी 7 पे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन पे एक ही अच्छा ऑप्शन है ईशान किशन, इसके अलावा किसी को नहीं लेना है। बात करें उसके बाद बैटिंग सेक्शन की, तो बैटिंग पे देखो दोस्तों रोहित शर्मा है, ठीक है। तो रोहित शर्मा को जो मैं टीम बना रहा हूँ, अगर बैटिंग सेकंड करती है मुंबई इंडियंस की टीम तो रोहित शर्मा को हम टीम में ड्रॉप करके चलेंगे, और अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो शायद हम ईशान किशन को ड्रॉप करके यहाँ पर चलने वाले हैं, तो हम सेकंड में बना रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूँ तो रोहित शर्मा यहाँ पर जो है 5 मैचों में 3 मैच अच्छा चला है, बाकी 2 मैच बीच में यहाँ पर फ्लॉप रहा है, ठीक है, और बाकी लास्ट मैच डीसी और आरसीबी के खिलाफ काफी बढ़िया खेल के आ रहा है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की बात करूं तो काफी बढ़िया परफॉर्म रहा है, पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ 83 फैंटेसी पॉइंट इसने दिया, राइट हैंड बैट्समैन, ठीक है। उसके बाद गायकवाड़ की अगर हम बात करेंगे तो गायकवाड़ लास्ट 2 मैचों में बहुत अच्छा चला है, उसके पिछले 1 मैच फ्लॉप था, फिर से उसके पीछे 1 मैच अच्छा चला था, ये भी राइट हैंड बैट्समैन है, 5 मैचों में ये भी 3 मैच चला है, बाकी 2 मैच फ्लॉप रहा है। शिवम दुबे की अगर हम बात करें दोस्तों तो शिवम दुबे लगातार 5 मैचों में 4 मैच अच्छा चला है, 2 मैच यहाँ पर देख सकते हो 48 और 81 फैंटेसी पॉइंट दिए।
उसके बाद बीच में एक मैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद यहाँ पर दो मैच सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के खिलाफ काफी बढ़िया परफॉर्म किया, ठीक है। तो यहाँ पर शिवम दुबे भी बढ़िया प्लेयर है, लगातार यहाँ पर फॉर्म में चल रहा है। उसके बाद रांची रविंद्र की मैं बात करूँ तो लास्ट तीन मैचों से दोस्तों फ्लॉप चला है, सिलेक्शन भले हाई हो लेकिन लास्ट तीन मैच में बहुत अच्छा फैंटेसी पॉइंट नहीं दिया है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, सोलो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, स्पिनर गेंदबाज है और साथ में लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी होने वाला है। तिलक वर्मा की अगर मैं बात करूं तो तिलक वर्मा लास्ट दो मैचों से यहां पर फ्लॉप चल रहा है और यहां पर पहले वो चार मैच तीन मैच लगातार काफी बढ़िया खेला था, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। उसके बाद दोस्तों अजिंक्य रहाणे की अगर हम बात करें तो रहाणे लास्ट पीछे दो मैच बहुत अच्छा खेला था, 64 और 47 फैंटेसी पॉइंट दिए, लेकिन लास्ट मैच इसको केकेआर के खिलाफ बैटिंग करने का मौका नहीं मिला जिसकी वजह से ये फैंटेसी पॉइंट नहीं बना पाए। अगर इसको बैटिंग मिलेगा तो ये जरूर बनाएगा यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे समीर रिजवी है, प्लेयर अच्छा लगता है लेकिन इसको बैटिंग मिलता नहीं है इसलिए इसको टीम में लेके जाना बेकार है, ठीक है। प्लेयर हमको अच्छा लगता है इसका हम बैटिंग देखे हैं लेकिन बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिलता, तो कोई मतलब नहीं है टीम में लेके जाने का, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर बात करें सभी के हम बैटिंग लाइनअप की तो देख सकते हैं दोस्तों, रांची रविंद्र ओपनर अपने टीम का, ऋतुराज गायकवाड़ सेकंड राउंड बैटिंग, शिवम दुबे चार नंबर पे, उसके बाद अजिंक्य रहाणे दोस्तों छह नंबर पे, समीर रिजवी सात नंबर पे। उसके बाद उधर से अगर हम बात करें रोहित शर्मा सेकंड डाउन, सूर्य कुमार यादव तीन नंबर, उसके बाद यहाँ पर तिलक वर्मा दोस्तों पांच नंबर का खिलाड़ी होने वाला है, टीम डेविड यहाँ पर छह नंबर का खिलाड़ी। तो यहाँ पर फाइनल बात करें बैटिंग सेक्शन पे किसको लेना है, तो जैसा मैंने बोला अगर मुंबई इंडियंस की टीम बैटिंग सेकंड करती है तो उस फेवर में हम यहाँ पर रोहित शर्मा को ड्रॉप करेंगे, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम लेके जाएंगे सूर्य कुमार यादव को दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर तिलक वर्मा को ट्रम्प कार्ड प्लेयर के तौर पे हम इस मैच के लिए लेने वाले हैं, ठीक है, आपको पहले बता दें। उसके बाद यहाँ पर इस मैच में हम रांची रविंद्र को ले लेंगे, रांची रविंद्र का बल्ला इस मैच में चल सकता है। उसके बाद गायकवाड़ को इस मैच में हम ड्रॉप रखने वाले हैं, अगर चेन्नई की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो ठीक है, गायकवाड़ अपना ड्रॉप रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें टीम डेविड है अजिंक्य रहाणे, तो एक प्लेयर हम ट्रम्प यहाँ पर अजिंक्य रहाणे को दोस्तों लेने वाले हैं। दो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी मैंने यहाँ पर लिए, एक तिलक वर्मा एक अजिंक्य रहाणे, दोनों का सिलेक्शन लो चल रहा है। अगर हम हाई सिलेक्शन में बात करें ड्रॉप किसको किए हैं तो हम यहाँ पर रोहित शर्मा गायकवाड़ और शिवम दुबे तीन खिलाड़ी को दोस्तों ड्रॉप करके चल रहे हैं बैटिंग सेक्शन से, क्योंकि आप भी जानते हो कि हर बड़ा सिलेक्शन वाला खिलाड़ी इस मैच में नहीं चलेगा, कोई ना कोई जरूर फ्लॉप होगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने चार बैट्समैन लिए। उसके बाद बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, जहाँ पे रविंद्र जडेजा है जो कि लास्ट मैच में काफी बढ़िया परफॉर्म करके आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और लास्ट तीन मैच में बहुत ही बढ़िया फैंटेसी पॉइंट देके आ रहा है, उसके पहले गुजरात टाइटंस के खिलाफ फ्लॉप रहा था बंदा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या भी चार मैचों से लगातार ग्रैंड लीग टीम में बना हुआ है, तो हार्दिक पांड्या को आप बिल्कुल लेके जाना, चाहे मुंबई इंडियंस बैटिंग फर्स्ट करे चाहे सेकंड करे, हार्दिक पांड्या पेसर्स गेंदबाज है और बैटिंग भी ठीक ठाक अभी करा रहा है तो ग्रैंड लीग टीम में आ जाएगा, आपको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना है लेकिन ग्रैंड लीग टीम में आसानी से आ जाएगा, तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या को आप ले लेना। ड्रायल मिचेल को अगर मैं ट्रम्प प्लेयर पे लेके जाना चाहूँ तो लेके जा सकता हूँ, केकेआर के खिलाफ 50 फैंटेसी पॉइंट दिए, उसके बाद भी लगातार पहले तीन मैचों में अच्छा चला था, राइट हैंड बैट्समैन, लाइट आर्म मीडियम फास्ट है, एवरेज फैंटेसी पॉइंट दे रहा है यहाँ पर ड्रायल मिचेल। उसके बाद एम नबी की बात करें, मोहम्मद नबी दो मैच खेले, दोनों मैच में फ्लॉप है, तो इस मैच में भी आप इसको सीधा सा ड्रॉप रखना। उसके बाद यहाँ पर शेफर्ड होने वाला है जो कि तीन मैचों में एक मैच अच्छा खेला है, बाकी मैचों में फ्लॉप रहा है, तो शेफर्ड को देखो आपको एक बात ध्यान रखना है कि बैटिंग इसको नहीं मिलेगा, अगर बॉलिंग से एक आध विकेट निकाल ले तो काम आपका बन सकता है लेकिन इसको बैटिंग नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका बैटिंग लाइनअप अगर हम आपको दिखाएं तो काफी नीचे यहाँ पर शेफर्ड देख सकते हो, आठ नंबर का खिलाड़ी, एम नबी सात नंबर का खिलाड़ी, और इतना ज्यादा विकेट दोनों टीमों से गिरने वाला नहीं है, इतना फिक्स मान लो, ठीक है। ज्यादा ज्यादा विकेट गिरेंगे, चार या पांच गिरेगा, उससे ज्यादा नहीं गिरने वाला है। हार्दिक पांड्या यहाँ पर चार नंबर का बल्लेबाज, उसके बाद यहाँ पर बात करें हम तो ड्रायल मिचेल दोस्तों तीन नंबर का खिलाड़ी होने वाला है, रविंद्र जडेजा आठ नंबर का खिलाड़ी, ठीक है। तो सारे प्लेयर आपके सामने हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फाइनल लेना किसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, ड्रायल मिचेल तीन खिलाड़ी को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पिक करने लायक है, तीनों को हम यहाँ पर लेके चलेंगे, तीनों ऑलराउंडर बेस्ट ऑप्शन होंगे, ठीक है। अब बचा हमारे पास बॉलिंग सेक्शन का ऑप्शन, तो चलेंगे अब बॉलिंग पे हम लोग। तो बॉलिंग पे जसप्रीत बुमराह है जो कि वानखेड़े के पिच पे काफी बढ़िया परफॉर्म करता है, तो फिर से आप जसप्रीत बुमराह को टीम में ले सकते हो, और खास करके मुंबई इंडियंस बॉलिंग फर्स्ट करती है यानी बैटिंग सेकंड करती है तो ठीक है। उसके बाद पथिराना अच्छा ऑप्शन था इस पिच पे, इसका इकोनॉमी काफी अच्छा था बॉलिंग में, लेकिन पथिराना खेल नहीं रहा है तो पथिराना को देखेंगे हम लोग लाइनअप के बाद, अगर टीम में चेंजेस होते हैं तो उसका मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, किसके जगह किसको ले रहा हूँ, किसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना, और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें दीपक चहर भी यहाँ पर चेन्नई की तरफ से अभी बाहर है, मुस्तफिजुर रहमान है चेन्नई की तरफ से, आप एक खिलाड़ी यहाँ पर पिक कर सकते हो, आरसीबी और जीटी के खिलाफ काफी बढ़िया चला,
उसके बाद एक मैच फॉलोअप करा फिर केकेआर के खिलाफ 50 फैंटेसी पॉइंट दिए। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, लेफ्टी बॉलर है और सामने वाले टीम में राइट हैंड बैट्समैन आपको मिल जाएंगे एमआई में, ठीक है, मुंबई इंडियंस में, तो हो सकता है एक आग विकेट मुस्तफिजुर ले जा सकता है। कोटजी की अगर हम बात करें तो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, पेसर्स है, 5 मैचों में 2 मैच अच्छा चला है, बाकी 3 मैच फ्लॉप रहा है यहाँ पर कोटजी, ठीक है। पीयूष चावला को लेकर नहीं जाएंगे। महेश तिक्सना की बात करें तो लास्ट खेले मैच लेकिन एवरेज फैंटेसी पॉइंट दिया है, 3 मैचों में सिर्फ 1 मैच अच्छा चला, बाकी मैच यहाँ पर फ्लॉप रहा है। आकाश मधवाल को अगर देखा जाए तो ये बंदा उतना भी अच्छा फैंटेसी पॉइंट यहाँ पर देख रहे हो, आरआर के खिलाफ दिया, डीसी के खिलाफ शायद ये नहीं खेला था, मेरे को याद नहीं है, और आरसीबी के खिलाफ 1 विकेट इसने निकाले, लास्ट मैच में उतना भी बढ़िया परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शार्दुल ठाकुर है, चेन्नई की तरफ से 1 मैच खेले हैं, पहले मैच में फ्लॉप रहा। तुषार देशपांडे की अगर हम बात करें तो तुषार देशपांडे 5 मैचों में 2 मैच अच्छा फैंटेसी पॉइंट दे रखा है, तो तुषार देशपांडे को इस मैच में ड्रॉप। तो फाइनल उसके बाद एक और प्लेयर बचता है हमारा यहाँ पर श्रेयस गोपाल, जो कि लास्ट मैच पहला मैच खेला और पहले मैच में 1 विकेट इसने हासिल कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 2 बॉलर का ऑप्शन है और बॉलर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर फाइनल लेना किसको है, तो पहला खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करें 1 खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान, उसके बाद 1 खिलाड़ी यहाँ पर आकाश माधवाल ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो जाएगा, तो इस टीम में अपने 3 से 4 ट्रम्प खिलाड़ी दोस्तों हो चुके हैं। अब फाइनल ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन बन चुका है, अब इसमें बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन को लेकर के, सब कुछ हो गया इस टीम में। जीएल का टीम कहलाया क्योंकि हमने हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी को ड्रॉप किया है, लो सिलेक्शन वाले को लिया हुआ है, अब बारी है कैप्टन वाइस कैप्टन चुनने का, ठीक है। अब यहाँ पर पास्ट लाइनअप में आप देख सकते हो कि अगर मुंबई इंडियंस बॉलिंग फर्स्ट करती है तो यहाँ से जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कराएगा और आकाश माधवाल, 2 बॉलर इधर से बॉलिंग कराएंगे मुंबई इंडियंस से, उधर से खेलेगा रांची रविंद्र, उसके बाद यहाँ पर गायकवाड़, तो टॉप ऑर्डर का दोनों बैट्समैन मैंने नहीं लिया, हो सकता है गायकवाड़ का विकेट यहाँ पर जसप्रीत बुमराह निकाल के ले जाए, शिवम दुबे का ले जाए, एमएस धोनी का ले जाए, तो इन सभी खिलाड़ी को मैंने नहीं लिया है। उसके बाद जब मुंबई इंडियंस रन चेस करेगी तो ज्यादा विकेट लूज नहीं करेगी, नहीं गिराएगी, जिसके वजह से मैंने टॉप ऑर्डर के यहाँ पर 4 बैट्समैन लिए हुए हैं रोहित शर्मा को छोड़ करके, आप देख सकते हो, ठीक है। ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, सारे टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी को लिया हुआ है और सिर्फ 1 बॉलर लिया यहाँ पर मात्र मुस्तफिजुर रहमान को, क्योंकि अगर 1-2 विकेट गिरते हैं तो ज्यादा बॉलर लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये मुंबई इंडियंस के फेवर में टीम है क्योंकि मुंबई इंडियंस के मैंने इसमें 6 प्लेयर लिए हैं, चेन्नई के मैंने सिर्फ 5 खिलाड़ी लिए हुए हैं। अगर आप चेन्नई की जगह एक खिलाड़ी कम करना चाहो तो फिलहाल के लिए सही नहीं रहेगा, आप 5 ही लेके चलना, अगले टीम में बताएंगे किसको आपको कम करना है। अब इसमें बात करते हैं सीबीसी के लिए, ठीक है। तो सीबीसी के लिए रिस्की ऑप्शन आपके लिए कौन होने वाला है, यहाँ पर आप तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन में रिस्क लेकर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कैप्टन की अगर हम बात करें तो कैप्टन में आप डैन मिचेल को ट्राई कर सकते हो सीबीसी में, ठीक है। उसके बाद बॉलिंग पे अगर हम देखें तो आकाश माधवाल को आप सीबीसी में रिस्क लेकर ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, रांची रविंद्र सारे के सारे सेफ ऑप्शन है। तो रांची रविंद्र काफी बार से नहीं चल पाया है, ठीक है, अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो रांची रविंद्र को हम बना देंगे इसमें वाइस कैप्टन, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम कैप्टन की बात करें तो कैप्टन किसके साथ जाना सही रहेगा, तो कैप्टन हम यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के साथ फिर से चाहे तो चल सकते हैं, लेकिन ये चेन्नई की टीम है, उतना भी ज्यादा विकेट इसको मिलेगा नहीं बुमराह को, जैसा आप सोच रहे हो कि फिर से 4-5 विकेट निकाल लेगा तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अपना वाइस कैप्टन हो गया रांची रविंद्र। अगर हम कैप्टन की बात करें तो कैप्टन अपना सूर्यकुमार यादव सही रहेगा, जिस तरह का इसका परफॉर्मेंस है वानखेड़े के पिच पे जैसा ये खेलता है तो काफी बढ़िया खेलेगा। फाइनल दोस्तों ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन पहला आपके सामने बन के तैयार हो चुका है, अब इसमें बात करेंगे टीम नंबर दूसरा के बारे में इस वीडियो में, ठीक है। उससे पहले जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक करके कमेंट ना करा होगा कर देना, साथ में चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर से कर देना। और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम तो बिल्कुल ज्वाइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट मैच के टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, जो भी अपडेट आता है, वहीं पे आपको क्लियर किया जाता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं टीम नंबर दूसरा के कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो टीम नंबर दूसरा भी अपना थोड़ा थोड़ा चेंजेस नहीं रहेगा। विकेट कीपर सेक्शन पे तो ईशान किशन रहेगा, फिक्स है। उसके बाद अगर हम बैटिंग की बात करें तो इस बैटिंग में जैसे मैंने बोला मुंबई इंडियंस की अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो रोहित शर्मा को मैं ले लूंगा, उसके बाद यहाँ पर सूर्यकुमार यादव को भी ले लूंगा, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो गायकवाड़ को और शिवम दुबे, रांची रविंद्र। तो यहाँ पर हम गायकवाड़ को इस मैच में आप लेके चाहो तो चल सकते हो, या फिर शिवम दुबे सब्स्टिट्यूट प्लेयर में आप शिवम दुबे को भी रख सकते हो। तो इन दोनों खिलाड़ी में आपको एक खिलाड़ी यहाँ पर लेके चलने हैं, दोनों नहीं चलने हैं, या तो आप गायकवाड़ को रखो या तो आप शिवम दुबे को रखो, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिलहाल के लिए दोस्तों जो खिलाड़ी है यहाँ पर रांची रविंद्र को दूसरे टीम में भी हम रख लेंगे, काफी मैचों से फ्लॉप चल रहा है तो इस मैच में कुछ ना कुछ बढ़िया करके यहाँ पर देने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गायकवाड़ है, शिवम दुबे है, तो हम यहाँ पर गायकवाड़ को ना छोड़ करके हम शिवम दुबे को ले लेंगे, ठीक है। गायकवाड़ पे थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि टॉप ऑर्डर में बुमराह जो है बॉलिंग कराने आएगा, तो गायकवाड़ को हम ड्रॉप कर देंगे। फिलहाल के लिए मैंने 4 बैट्समैन लिया, और 1 बैट्समैन अगर आपको
टीम डेविड को ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी के तौर पर लेना हो तो आप टीम डेविड को दोस्तों ले सकते हो। जैसे मैंने टीम डेविड को यहाँ पर ट्रम्प खिलाड़ी के तौर पे चुन लिया है, ठीक है। उधर से आप चाहो तो तिलक वर्मा और अजिंक्य रहाणे को रख सकते हो, जैसा कि मैंने पिछले टीम में रखा हुआ है। फिलहाल के लिए हमने टीम डेविड को लिया। उसके बाद ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो इसमें हार्दिक पांड्या और ड्रायल मिचेल को ले लूंगा। जडेजा को दोस्तों इस मैच में हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि इसका बैटिंग तो आता नहीं है और स्पिनर को इस पिच पे कम सपोर्ट है। हो सकता है अगर जडेजा फ्लॉप हो गया तो अपना काम बन सकता है। तो यहाँ पर दो खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ हम लेके चलेंगे। उसके बाद बॉलिंग पे सेम बॉलर जसप्रीत बुमराह, उसके बाद यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान और एक प्लेयर हम चाहे तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम तुषार देशपांडे को दोस्तों ले सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा आप रिस्क लेना चाहो तो आप यहाँ पर शार्दुल ठाकुर को लेके चल सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ले जाएंगे तुषार देशपांडे है, गोपाल है, तो हम यहाँ पर जो है आकाश माधवाल को ही ले सकते हैं या फिर थिक्सना को भी आप ट्राई मार सकते हो मैच में। तो फिलहाल के लिए हमारा बॉलर जो है थोड़ा सा चेंज, आकाश माधवाल की जगह हम कोटजी को लेके जाने वाले हैं। अब फाइनल इसमें बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन को लेकर के, तो जो अपना कैप्टन वाइस कैप्टन है थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, इसमें ज्यादा नहीं रहेगा। जैसे मैंने बोला तिलक वर्मा को आप वाइस कैप्टन लेके जा सकते हो पहला टीम में, और दूसरा टीम में अगर हम बात करें तो दूसरा टीम में हम यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के साथ चलो वाइस कैप्टन चले जाएंगे। उसके बाद कैप्टनसी की अगर हम बात करें तो कैप्टन अपना सूर्य कुमार यादव ही होने वाला है। फाइनल दोस्तों ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन दूसरा आपके सामने बन के तैयार है। बाकी इस टीम में अगर आपको कुछ चेंज चाहिए या टीम पसंद ना आया हो तो आप हमें बिल्कुल कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यहीं तक रहता अपना मैच का वीडियो, तो मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में।